अभी हम बात करते हैं नॉर्मल टू पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने बताई थी टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट x1 y1 इज y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। तो यहाँ से y क्या निकलेगा, 2ax अपॉन y1 प्लस 2ax1 अपॉन y1। इस y1 को हमने यहाँ डिवाइड कर लिया, तो इसका स्लोप क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 2a अपॉन y1। सही है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, वो होगा माइनस y1 अपॉन 2a। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a एंड x माइनस x1। यानी y इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1 प्लस y1। ऐसे ही रहने देते हैं, ये हमने बोल दी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। ठीक है, एट पॉइंट x1 y1। अब हम इसी में अगर पॉइंट हमने बोल दिया at2 2at, ये पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, तो जहाँ पर x1 है उसकी जगह हम ये डाल देंगे, जहाँ पर y1 है उसकी जगह ये डल जाएगा। यानी हो जाएगा y इज इक्वल टू y1 की जगह हो गया माइनस 2at अपॉन 2a, एक्स माइनस x1 की जगह at2 हो गया, और यहाँ पर y1 की जगह हो गया 2at। तो यहाँ 2a से 2a कट गया, तो क्या बन गई, माइनस टी एक्स माइनस at2 प्लस 2at। तो टी को अंदर ले गए तो माइनस xt प्लस at3 प्लस 2at। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई एट दिस पॉइंट। सही है। फिर अब यहाँ पर इसका स्लोप क्या है, स्लोप है माइनस टी एक्स का कोफिशेंट। तो यहाँ से टी क्या निकला, टी निकला माइनस एम। तो इसमें पूरे को अगर टी की जगह मैं माइनस एम रिप्लेस कर दूँ तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम एक्स माइनस am3 माइनस 2am। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। सही है, इन स्लोप फॉर्म, इन स्लोप फॉर्म। और कंडीशन अगर हम बोलेंगे, कंडीशन दैट y इज इक्वल टू mx प्लस c इज नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये होगी c इज इक्वल टू माइनस am3 माइनस 2am। ये कंडीशन ऑफ नॉर्मल सी होगी। इसके बाद आप इसको देखो, ये जो इक्वेशन है ये मेरी क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है।
तो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जैसे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसके अगर तीन रूट हैं अल्फ़ा बीटा और गामा आर रूट्स, तो इसमें सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी बाय, फिर अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ये होता है सी बाय ए, फिर अल्फ़ा बीटा गामा, ये होता है माइनस डी बाय ए। सही है। तो सेम वही अगर हम इसको बनाएं क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमारे पास इक्वेशन थी वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब माइनस टू ए एम। सही है। तो इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, ए एम क्यूब, और इसमें से और इसमें से आप एम कॉमन ले लो, तो क्या हो गया, माइनस एम, और रुको पहले ऐसे लिख लो, वाई इज इक्वल टू माइनस ए एम क्यूब प्लस एम एक्स माइनस टू ए। अब पूरी इक्वेशन को हमने ऐसे लिख लिया, माइनस एम एक्स माइनस टू ए प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। और इसमें इसके अगर रूट एम वन एम टू और एम थ्री हमने बोला रूट है, तो तीनों का सम एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, तो कोफिशियंट ऑफ एम स्क्वायर होना चाहिए था, तो एम स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो ज़ीरो हो गया। फिर एम वन एम टू प्लस एम टू एम थ्री प्लस एम थ्री एम वन, ये बन जाएगा कोफिशियंट ऑफ एम, यानी माइनस एक्स माइनस टू ए अपॉन एम क्यूब का कोफिशियंट यानी ए। तो इसको अभी ऐसे भी लिख सकते हैं, टू ए माइनस एक्स ओवर ए। फिर तीनों का प्रोडक्ट एम वन एम टू और एम थ्री, तीनों का प्रोडक्ट माइनस कांस्टेंट जो भी है, मतलब माइनस वाई ओवर एम क्यूब का कोफिशियंट ए। तो ये तीन रिलेशनशिप निकले, एक दो तीन। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये है, इफ नॉर्मल एट, इफ़ नॉर्मल एट टी वन इंटरसेक्ट द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स एट टी टू, देन फाइंड टी टू इन टर्म्स ऑफ टी वन। तो सबसे पहले नॉर्मल एट टी वन, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, वाई इज इक्वल टू माइनस टी वन एक्स प्लस ए टी वन क्यूब प्लस टू ए टी वन। अब इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है माइनस टी वन, और क्वेश्चन ये कह रहा है जैसे ये मेरे पास पैराबोला है और ये मेरा नॉर्मल हो गया, ये पॉइंट है ए टी वन स्क्वायर और टू ए टी वन। ठीक है। और ये यहाँ पर मीट कर रहा है ए टी टू स्क्वायर टू ए टी टू पे, पैराबोला पे फिर से मीट कर रहा है। तो पी क्यू क्या है, पी क्यू कॉर्ड भी है, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड हमने डिस्कस करा है पीछे, तो
तो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या हो गया, ये हो गया 2 अपॉन T1 प्लस T2। तो ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, तो दोनों को इक्वल कर लो। दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन T1 प्लस T2। तो इंटरचेंज कर लिया, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू -2 अपॉन T1। तो यहाँ से T2 क्या आएगा, T2 आ गया -T1 -2 अपॉन T1। तो ये T2 आ गया इन टर्म्स ऑफ T1। नेक्स्ट है द नॉर्मल टू पैराबोला y² = 4ax एट पॉइंट वेयर एप्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट विल मीट द पैराबोला अगेन एट फर्स्ट ऑप्शन 9a - 6a, सेकेंड ऑप्शन 9a - 6a, थर्ड -9a - 6a, फोर्थ -9a - 6a। तो कह रहा है नॉर्मल टू द पैराबोला एक पॉइंट पे, और पॉइंट सपोज मैंने कहा पॉइंट ये है a T1 square 2a T1। तो इस पॉइंट में उसने बोला है कि जो एप्सिसा है वो इक्वल है ऑर्डिनेट के ऐसे। तो यहाँ से a से ही कट गया, तो T1 मेरा 2 निकल गया, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है उसके लिए रिलेशनशिप हम जानते हैं, अभी हमने बोला -T1 - 2/T1, ये रिलेशनशिप होता है। तो T2 कितना निकला, T1 की वैल्यू डालेंगे तो T2 हो गया -2 - 2/2, यानी -2 - 1, तो -3 हो गया, ठीक है। T2 मिल गया, अब T2 मिल गया तो अब a जो पैराबोला है उसका a तो a ही है, तो पॉइंट क्या है, जो दूसरा पॉइंट a T2 square 2a T2, तो इसमें T2 की वैल्यू रखो, -3 डालेंगे तो ये हो गया 9a - 6a, यही मेरा आंसर है, यानी a ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है x + y = k इज नॉर्मल टू पैराबोला y² = 12x, फाइंड k। अब इस क्वेश्चन में ये आपको कह रहा है कि ये मेरा नॉर्मल है, तो इसका जो स्लोप है वो क्या है, -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप फॉर्म में हमने बोली y = mx - am³ - 2am। अब m की जगह -1 रख लो तो ये क्या हो गया, -x + a + 2a। तो यहाँ से 4a कितना है मेरा, 12, तो a कितना है 3, तो a की जगह 3 रख लेंगे तो क्या बन गया, -x + 3a है, तो a की जगह 3 9, यानी क्या आ गया y + x = 9। तो इसको इससे कंपेयर कर लो x + y = k से,
तो यहाँ से के मेरा क्या आ गया, 9 आ गया, यही आंसर है। अब क्वेश्चन है, इफ़ नॉर्मल्स एट T1 एंड T2 मीट पैराबोला एट T3 देन फर्स्ट T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 0, सेकेंड T1 प्लस T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 1, थर्ड T1 प्लस T2 माइनस T3 इज 0 एंड फोर्थ T1 प्लस T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 2। तो T3 पे फिर से मीट करता है, तो T1 का रिलेशन ऐसे हो जाएगा, T1 माइनस 2 ओवर T1, सही है। ऐसी T2 पे फिर से T3 पे मीट करता है, तो रिलेशनशिप ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं, T1 माइनस 2 ओवर T1 इज इक्वल टू T2 माइनस 2 ओवर T2, तो इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये ऐसे हो गया T2 माइनस T1, और इस टर्म को यहाँ लाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 2 ओवर T1 माइनस 2 ओवर T2। तो यानी क्या हो गया, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T1 T2, 2 कॉमन ले लो, T2 माइनस T1, तो ये वाली टर्म इससे कट जाएगी। तो रिलेशनशिप क्या निकला इसके आगे, ये हो गया 1 इज इक्वल टू 2 ओवर T1 यहाँ पर, हाँ ठीक है, T1 T2, तो यानी T1 T2 इज इक्वल टू 2। तो अब इस इक्वेशन में हम ऐसे लिख लेते हैं, T3 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2 की जगह लिख लिया T1 T2 ओवर T1, तो ये ऐसे हो गया, T1 से T1 कट गया, T2 हो गया। तो रिलेशन क्या आया, T3 प्लस T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 0, यही मेरा आंसर है। यानी क्वेश्चन है, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट एन फ्रॉम विच 3 नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू पैराबोला y square is equal to 4ax such that 2 of them are equally inclined to x-axis. अब देखो, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज़ y इज इक्वल टू mx माइनस am³ माइनस 2am, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2a माइनस x m प्लस y, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 मेरा 0 होगा। अब इसने बोला है कि दो नॉर्मल ऐसे हैं विच आर इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये मेरी एक्सिस है, तो एक 45 डिग्री इधर और एक 45 डिग्री इधर,
तो क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर मेरा जो थीटा होगा 45 डिग्री हो गया। और इसके लिए आप अगर देखोगे यहाँ से इधर तो ये मेरा कितना आएगा, ये थीटा मेरा आ जाएगा 135। तो इसका स्लोप हो गया 1, इसका स्लोप क्या आ गया -1। तो कुल मिला के वैन दे आर इक्वली इंक्लाइंड तो इन दोनों का सम मेरा 0 हो गया। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, ये मेरा 0 हो गया और यानी M3 मेरा क्या आया, M3 मेरा 0 आ गया। तो M3 अगर 0 आ गया तो लोकस मेरा क्या हो गया, इसमें M की वैल्यू अगर मैं 0 डाल लूँ तो लोकस मेरा हो गया, लोकस इज़ y इज इक्वल टू 0। बस यही मेरा आंसर आ गया। एक और ले लेते हैं, ये कह रहा है फाइंड लोकस ऑफ n फ्रॉम विच 3 नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax सच दैट टू ऑफ देम आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फिर से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वाई इज इक्वल टू mx माइनस am³ माइनस 2am। तो वाई ये इसको इधर ले गए प्लस 2a माइनस x m प्लस y, इस फॉर्मेट में लिख लिया। तो दो जो हैं परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 मेरा क्या हो गया -1 हो गया। ठीक, तो अब रिलेशन क्या, एक तो रिलेशन हमने बोला तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है -d/a यानी -y/a। तो इसकी वैल्यू तो मेरी क्या हो गई -1, तो ये हो गया -m3 इज इक्वल टू -y/a। तो माइनस से माइनस कट गया तो m3 क्या आ गया, m3 आ गया y/a, एक रिलेशनशिप ये आ गया। फिर m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 ये क्या होता है, ये होता है इसका कोफिशेंट यानी 2a-x/a। ठीक है, इसकी वैल्यू तो मेरी -1 है और इसमें से m3 कॉमन ले लो तो क्या बच गया, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2a-x/a। ठीक है, और m3 मेरा क्या है y/a, और अगर m3 मेरा y/a है तो m1 प्लस m2 प्लस m3 मेरा क्या होता है, 0 होता है। तो m1 प्लस m2 क्या निकला मेरा, -m3। तो m1 प्लस m2 की जगह मैं यहाँ पर -m3 लिख सकता हूँ, तो ये हो गया -m3 2a-x/a। और m3 मेरा क्या है, m3 है y/a ऐसे हो गया। तो यानी -1 -y²/a² इज इक्वल टू 2a-x/a। तो एलसीएम ले लेंगे तो y² + a² / a² इज इक्वल टू 2a-x/a। तो फाइनली लोकस मेरा क्या आया, y² + a² इज इक्वल टू -a 2a-x, यही मेरा लोकस हो गया। क्वेश्चन है नॉर्मल्स ड्रॉन
फ्रॉम पी विद स्लोप्स एम वन एम टू एम थ्री, ठीक है, टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स इफ लोकस ऑफ पी विद एम वन एम टू इज इक्वल टू एल्फा इज पार्ट ऑफ पैराबोला इट्सेल्फ फाइंड अल्फा। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी पॉइंट से हमने नॉर्मल्स ड्रॉ करे जिसके स्लोप ये हैं एम वन एम टू एम थ्री, ठीक है, इस पैराबोला पे, और पी का जो लोकस है और लोकस की ये कंडीशन है एम वन एम टू इज़ अल्फा, तो वो पैराबोला ही है फिर से, ठीक है, तो मुझे अल्फ़ा बताना है। तो फिर से वही, ये हो गई y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब माइनस टू ए एम, नॉर्मल की इक्वेशन, यानी ए एम क्यूब प्लस टू ए माइनस एक्स एम प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, एक रिलेशनशिप ये आया, और एक आ गया एम वन एम टू प्लस एम टू एम थ्री प्लस एम थ्री एम वन, ठीक है, इज इक्वल टू टू ए माइनस एक्स अपॉन ए, और एक हो गया एम वन एम टू एम थ्री इज इक्वल टू माइनस वाई वाई अपॉन ए। अब एम वन एम टू उसने बोला है अल्फा है, ठीक है, ये है अल्फा, तो इसकी वैल्यू अगर मैं अल्फा लिख दूं तो यहाँ से मेरा एम थ्री आ गया, एम थ्री क्या आया माइनस वाई अपॉन ए अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, यहाँ से मैं एम वन प्लस एम टू निकाल सकता हूँ माइनस एम थ्री, और यहाँ पर एम वन एम टू की जगह लिख लिया अल्फा, और इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं एम थ्री, तो रह गया एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू टू ए माइनस एक्स अपॉन ए। अब ये अल्फ़ा है, इसकी वैल्यू क्या है माइनस वाई अपॉन ए अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू एम थ्री है, ये माइनस एम थ्री है, तो यानी हो जाएगा वाई अपॉन ए अल्फ़ा, तो टू ए माइनस एक्स अपॉन ए, सही है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए माइनस एक्स अपॉन ए माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ से ये हो गया ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर टू ए एक्स माइनस ए अल्फ़ा अपॉन ए, तो ये हमारे पास पैराबोला था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, तो ए मेरा क्या है फोर ए इज इक्वल टू फोर, तो ए मेरा क्या है वन, तो ए की जगह वन डाल लो, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टू माइनस एक्स माइनस अल्फा। अब ये जो इक्वेशन है ये इसी का पार्ट है, मतलब सेम है ये और ये, तो सेम कब होगी जब अल्फ़ा स्क्वायर मेरा क्या हो गया फोर, तो यानी अल्फ़ा मेरा क्या आएगा अल्फ़ा मेरा टू आ गया, बस यही मेरा आंसर। एक क्वेश्चन और है, लेट एल इज नॉर्मल टू
नॉर्मल टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इफ एल पासिस थ्रू नाइन सिक्स फाइंड इक्वेशंस ऑफ एल. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से इसको कंपेयर कर लो, तो 4a मेरा 4 आ गया, a मेरा 1 हो गया. तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब, यानी सिंपली एम क्यूब माइनस 2am यानी 2m. तो इट इज़ पासिंग थ्रू 9 6, तो x की जगह 9, y की जगह 6, ऐसे. तो बन गई इक्वेशन एम क्यूब माइनस 7m प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, माइनस एम माइनस 6m प्लस 6, यानी हो गया m कॉमन ले लो तो m स्क्वायर माइनस 1, 6m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी m माइनस 6. रुको, इसको लिख लो m माइनस 1 और m प्लस 1, ऐसे. तो m माइनस 1 पूरा कॉमन आ गया, तो बच गया m m स्क्वायर प्लस m माइनस 6. तो इसका भी मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, तो ये हो गया प्लस 3 और माइनस 2. तो m आ जाएगा 1, m आ जाएगा माइनस 3, m आ गया 2. या फिर हिट एंड ट्रायल लगा लो इसमें शुरू में ही यहीं पर ही, ठीक है. तो अब m की वैल्यू आप डाल लो इसमें एक एक करके. तो y क्या आएगा, अगर m 1 है तो x माइनस 1 माइनस 2, यानी y इज इक्वल टू x माइनस 3. एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी हो गई माइनस 3 x माइनस 27 प्लस 27 और प्लस 6. तो y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6 33. एक ही और आ गई, और 2 डाल लो तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 8 माइनस 4. तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 12. ये एक इक्वेशन और आ गई, बस ख़त्म.